गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब, आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी बजे ऐसे बाकी 6:30 और मैं बना रही हूँ चाय। उठ गई थी मैं वैसे तो 5 बजे, लेकिन दूध दबाया था तो मैं अब चाय बना रही हूँ और पापा जी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो ले चलते नीचे चाय और दिखाती हूँ आपको नीचे चलते। और गाइज, आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब, तो फिर पापा जी ने बोल दिया कि इन दोनों को भी रहने दो, आज ये रोएंगे वरना अकेले, तो वो भी नहीं जा रहे हैं। चलते नीचे चलते। चल जल्दी स्कूल है, क्यों है? नहीं, स्कूल के नाम पर तो बहुत रोल लगी। कब चली जाओगी? आपको पता ही नहीं जा रही, कल जाएगी। और अभी आ रहे पापा नीचे मारेंगे। सो रहे अभी, दूध लेने को आए फिर सो गए। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी कर। और गाइस, ये आए थे अब ड्यूटी से तो समोसे लेकर आए हैं हमारे लिए। अभी वो नीचे गए हैं, मम्मी है और नीचे पापा जी है, ऊपर ही है उनको देने के लिए। और ऊपर दे आए हैं रूबी को, पर ये मेरे लिए है। तो गाइस, बच्चों ने स्टैंड पे से सारे स्लीपर और शूज फेंक दिए थे छुटकू ने और हर्षी ने, सबसे ऊपर वाले जीने पे, फिर नीचे और फिर उससे भी नीचे, क्योंकि ये सबसे ऊपर रखा था स्टैंड, और उन्होंने ये सारे फेंक दिए नीचे ऊपर सारे में। तो अब मैं इनको ही ले रही हूँ और मतलब इस पे स्टैंड पे रख रही हूँ सारे। ये मॉल का दिन ना जा रहा है, देख रहे हो? बिरयानी ले रहा है? कोई बात नहीं बेटा, खाने दो। हर्षू कौन लेकर आया था बेटा? ये पापा लेकर आए थे। बाल कैसे हो रहे हैं? हम बाल तो पहले कर आई बाल बाल लिखते क्या? और पहले की बाल लिखते। बाल गिर गई? कहाँ गिर गई? और गाइस, आरव को तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसे तो फीवर हो रहा है, और कल तो हमने भेजे नहीं थे हर्षू और परी भी, लेकिन आज भेजे थे क्योंकि आरव को तो बुखार उतरा नहीं अभी, तो इसलिए वो तो गया नहीं। हर्षू रुक जाओ बेटा, तो ये भेज दिए थे आज। और अब इनका स्कूल हो गया है 7 बजे का, 11:30 बजे आ गए थे। और अब देखो, इनके पापा लेकर आए बिरयानी, वो खाने गए थे तो लेके आए हैं। मम्मी को दिया है नीचे ही एक प्लेट पहले। और
ऐसे बैठे ये जैसे कितनी बिरयानी खाएंगे। और अभी दिखाऊंगी गाइस, ये परी तो खाएगी थोड़ी क्योंकि वो खा लेती है थोड़ी बहुत मिर्च, लेकिन हरकू तो बिल्कुल नहीं खाता। वो ये तो चाप वाली लेके आई है गाइस, ये चाप वाली बिरयानी लेके आई है। इसे देख के मुझे अच्छी नहीं लगती है, वैसे मैं चाप खा लेती हूँ लेकिन ये रखी रहती है ऐसे, तो ये अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं इसे अलग कर देती हूँ। वो ही खा लेंगे आके, अभी नीचे गए हैं, वैसे तो वो खा के आए थे, हमारे लिए घर पैक करवा के लेके आए तीनों के लिए और खुद खा के आए थे, लेकिन मैंने ये चाप अलग ही निकाल के रख दी है, वही खा लेंगे इनको क्योंकि मुझे ऐसे पसंद नहीं है, सब्जी तो मैं खा लेती हूँ। प्लेट लिया बच्चों के लिए बनाई, आप देख सकते हो चारों कैसे बैठे हैं तैयार कि कम मिल जाए बिरयानी। और अभी दिखाऊंगी कि जब हम इन्हें खिलाएंगे तो कोई सा नहीं खाएगा, एक बार खाने के बाद सब मना कर देंगे क्या हो गया ओ दोनों का प्यार बेटा ये बिखर जाएंगी इसमें खाओगे आप? हर्षू खाओ बेटा, गाइस हर्षू ऐसे ही करता रहेगा इसको, लेकिन खाएगा नहीं क्योंकि इसको पता है कि मिर्च होती है, परी खा लेती है। हर्षू खा लो बेटा, खा लो इसको, क्या हो गया इसे खा लो बेटा। हाँ ये भी नहीं खाएगा, खा लो जल्दी जल्दी, ठीक है परी मिर्च तो नहीं लग रही बेटा, नहीं है खा ली बेटा, एक स्पून पे लग गई चुटकू आ रहा मेरा मिर्च लग रही है, मिर्च लग रही है आपे भी लग रही है मिर्च, क्या है सोयाबीन है इधर। और गाइस हर्षू की और परी की एक सबसे अच्छी आदत है कि स्कूल से आएंगे ड्रेस उतारेंगे और सबसे पहले नहाएंगे, अपने आप ही नहा लेते हैं, बोलते हैं मम्मा हम पहले नहाएंगे और फिर उसके बाद कुछ खाते पीते हैं क्या हो गया मिर्च लग रही है, पानी दे दियो यार ले लो चुटकू क्या हो गया क्या क्या पागल हो गए हैं, पागल हो गए, चलो निकालो इसको यहाँ से, पागल हो गया छुटकू, भगाओ इसको भगाओ। बोल दो मैं तो गुड बॉय हूँ। हाँ तो गाइज अब बज रहे हैं 5:30 शाम के और चाय वाय तो बन गई है, सबने पी भी ली है और अब मम्मी लेकर आई थी सब्जी, ये मटर आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर, तो अभी मैं पहले मटर छील लेती हूँ और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको मटर पनीर की रेसिपी, तो मैं मटर छीलूँ उसके बाद बनाती हूँ सब्जी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है और प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, और यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल और एक तरफ मैंने रख दिया मटर उबलने के लिए, क्योंकि इतने मसाला तैयार होगा तो मटर उबल जाएगी और जल्दी से सब्जी बन जाती है ऐसे। और एक प्याज मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी और अब तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और जो वो
प्याज काटी थी मैंने छोटे छोटे पीसेस में, वो डाल दिया। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और फिर प्याज भुनने के बाद इसमें डाल देंगे हम जो वो प्याज का पेस्ट है उसको। प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे हम, ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। और फिर प्याज भुनने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। और गाइस टमाटर इसको भी थोड़ा चला लेंगे अच्छी तरीका से। और फिर इसमें बेसिक मसाले वही है, हल्दी मिर्च और गरम मसाला है, नमक, तो वो अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। मैंने ये डाल दिए है और इनको अब अच्छे से भून लेंगे मसाले डालने के बाद। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मटर और पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पहले मटर तो मैंने एक तरफ रख दिया तो वो आधी तो वहीं पर रन जाएगी, थोड़ा ही उसे बस इसमें डाल के थोड़ा ही उबालना है, उसके बाद ही रन जाएगी। और फिर गाइज हम मैं तो ऐसे बनाती हूँ, और वैसे आप इसमें जब जीरा डालते इसमें खड़ा मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाई आज क्योंकि खड़ा मसाला गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने डाली नहीं है। तो फिर इसमें मटर डालने के बाद चला के और इसमें डाल दूंगी मैं, डाल दिया है मैंने पानी, और इसे अच्छे से उबलने के बाद फिर इसमें पनीर डाल दूंगी। पनीर को मैंने पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है थोड़ा तो, और उसके बाद मैंने थोड़ा उसे कद्दूकस भी कर लिया है पनीर को, क्योंकि अच्छी लगती है जब छोटे छोटे ऐसे पीसेस आती है उसमें, तो ऐसे मैंने कर लिया है बस। गाइस मैं तो ऐसे बनाती हूँ, और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो। वैसे आप टमाटर प्याज को पेस्ट बना के भी बना सकते हो और काट के भी बना सकते हो, मैं कभी काट के भी बना लेती हूँ आज, लेकिन मैंने पेस्ट बना के और फिर उससे बनाई थी। तो अब रेडी हो चुकी है हमारी मटर पनीर की सब्जी। बस अब इसमें पनीर डालने के बाद मैं सिर्फ एक ही उबाल लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा उबाल लगाने के बाद पनीर जो वो टाइट टाइट हो जाता है, तो मैं हल्का सा ही उसे उबाल के और उतार लेती हूँ, फिर मसाला वसाला अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो गाइज़ हमारी सब्ज़ी हो चुकी है अब रेडी। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ रोटी, और आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और गर्मी लगती है क्योंकि आज 16 से ज़्यादा गर्मी है। गाइस अभी से इतनी गर्मी लग रही है तो आगे आगे क्या होगा, मुझे तो यही हो रहा है। तो बस अब हम यहीं पे इस वीडियो का एंड करेंगे, और तब तक के लिए बने रहे आप, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।